सबको चाहिए, लेकिन उस सुधार के लिए खुद की तरफ से कोई कुछ करने तैयार नहीं है। बटन दबा दिए, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ये मानसिकता है। मैं रफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। तो आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। सीनियर जर्नलिस्ट जनाब रफीक कामदार साहब के प्रयासों से खोले गए तमाम गटर नालों के कलवट। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता है, पिछले कुछ वर्षों से खास तौर पर शादी महल रोड और मुंडरा इंग्लिश हाई स्कूल परिसर में जो रास्ता है, वहाँ पर 10 से 15 मिनट की बारिश में पानी रोड तक जमा हो जाता है और पूरा पानी घुटनों के ऊपर भर जाता था। सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही थी कि जो कलवट थे पुराने, जो ग्राफ था नालों और गटरों का, जिससे पानी ड्रेनेज होता था हमारे शहर का, वो सारे कलवट ब्लॉक कर दिए गए थे। कुछ अपने निजी फ़ायदे के लिए बिल्डरों ने ब्लॉक किए थे और कुछ दुकानदारों ने ब्लॉक किए थे, जिसकी वजह से ये पानी को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था, अथवा पानी रास्ते के थ्रू लोगों के घरों में और रास्तों में आ जाता था। परंतु कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद काफ़ी आवाज़ उठाई गई इस चीज़ को लेकर, और आखिरकार जनाब रफीक कामदार के प्रयासों से आज इन कलवटों को खोला गया है। और उम्मीद है अब कि आने वाले समय में बारिश में पहले की तरह पानी नहीं भरेगा और पानी को जाने के लिए पूरे तरीके से रास्ता मिल गया। आज में काम चालू हुआ है, बहुत बार देखा गया है कि आप इस नाले के खिलाफ मतलब आवाज़ आपने उठाई है, इसकी डिटेल्स देते हैं, इसके बारे में आज कुछ डिटेल देंगे? देखिए, ऐसा है कि ये 3 साल से हमारा फॉलोअप चल रहा है। सबसे पहले हम अभी जिस नाले पे खड़े, ये सबसे बड़ा अमृत नगर का नाला है, ये सागर होटल से आता है, खड़ी मशीन का जो मेन नाला है वो इससे जुड़ता है और आगे बढ़ता है, और आगे और भी पहाड़ से जुड़े हुए नेचुरल फॉल्स और जो नाले आ रहे हैं, जैसे दरगाह रोड से है, MK कंपाउंड से है, आगे सोनाजी नगर से भी अंदर से एक है, तो ये सब इस बड़े नाले में जुड़ते हैं। तो बहुत ये बड़ा नाला है, लेकिन कचरे की वजह से जो इसकी डेप्थ ख़त्म हो चुकी है, गहराई ख़त्म हो चुकी है, ये एक हमेशा का प्रॉब्लम है। असल यहाँ अमृत नगर में पिछले 3-4 साल से आपने देखा होगा कि वाटर लॉगिंग हो रही थी, जल जमाव बड़े पैमाने पर हो रहा था, आधे एक घंटे की भी बारिश हो जाए तो पानी भर जाता था। तो इसके लिए हमने देखा कि आपको जैसे सामने की तरफ, जैसे ये जाफरान का स्टोर है, तो उसके किनारे पर ये नाले का एक कलवट गया, वहाँ एक दीवार मारी हुई थी, वो 3 साल पहले हमने तोड़ी, 2020-21 में वो तोड़वाई हमने, तो ये कलवट से पानी वहाँ पास होना और उस नाले से जो है मित्तल मैदान के नाले में जाना शुरू हुआ। उसी तरीके से हमारा कहना था, जो अभी नाले का काम शुरू हुआ है जो आपने बोला है, तो वो नसीम बाग के नाले का काम शुरू हुआ है, तो अमृत नगर के पास साई कृपा बिल्डिंग के पास जो कलवट है, वो कलवट वहाँ से आगे उस नाले से कनेक्टेड था, तो वो कलवट आगे बंद कर दिया गया था, जिसके चलते पूरे कौसर बाग में सबसे ज़्यादा पानी भर जाता था, नसीम बाग में भी फिर दुकानों में पानी भर जाता था। और मेन वजह ये थी कि वो कलवट भी बंद था और आगे का नाला जो है वो दुकानदारों ने कब्जे करके ओटे बना दिए, तो अब वो तोड़ करके वो काम किया गया है। ठीक है, तो ठाणे मनपा प्रशासन की तरफ जो है हमारा लगातार, यहाँ के सहायक आयुक्त जो है सागर सालूम के, यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है सार्वजनिक बांधकाम विभाग के, पब्लिक एंड वर्क डिपार्टमेंट के धनंजय गोसावी, इनसे हम लगातार इस पर फॉलोअप पर थे और इस चीज़ को जो है करके दो, ये हमारी मांग। क्योंकि आपको कितना टाइम लगा फॉलोअप करने में? ये 3 साल से लगातार चल रहा है ना, अकबर भाई, फॉलोअप आपका था? 3 साल लगातार था, इस पर खबरें दिखाई हमने, फॉलोअप मीन्स हमने कोई पत्र व्यवहार वगैरह नहीं किया, ऐसे पत्रकार खबर बना करके मैं प्रशासन को हमेशा जगाता रहा, उनको वो मुद्दा बताता रहा। अब देखिए, वो काम शुरू हो चुका है, वो कलवट भी खोल दिया गया है, सिर्फ वक्ती तौर पर रोका है ताकि अभी काम करने के दौरान उधर पानी ना आए। तो अब वो नाला कंप्लीट हो जाने के बाद में और वो कलवट खुला रहने के बाद में, वहाँ से और यहाँ से, ये दोनों कलवट में से इस नाले का तकरीबन 40% पानी उन दो नालों से डाइवर्ट होकर के निकल जाएगा। तो इसके ओवरफ्लो होने की जो है ना शिकायत जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो जितना जल जमाव, जितना वाटर लॉगिंग पिछले 4 साल में 3 साल में जितना भी यहाँ हुआ है, वो अब जो है लगभग मेरे हिसाब से 70-80% कम हो जाएगा। तो ये जो साई कृपा की दुकानें हैं, नबील की दुकानें हैं, शबनम की दुकानें हैं, ये मोमिन अपार्टमेंट जहाँ खड़े ये दुकानें हैं, उस तरफ की सामने की लाइन की दुकानें हैं, और लोअर एरियाज के जो मकान आते हैं, चालियाँ हैं, इसमें जो पानी भर जाता था वो काफ़ी हद तक अब नहीं होगा। इसके अलावा और कोई दिक्कत आपके मतलब आपकी नज़र में हो, जो मतलब अब तक अनदेखा किया गया हो? नहीं नहीं, अनदेखी तो बहुत हुई। देखिए, अभी विकास के दावों में आप कहते हो सड़क चौड़े हो गई, सड़क चौड़ी हो गई तो सड़क चौड़ी होने का लोगों को फ़ायदा क्या मिल रहा है, शहरवासियों को फ़ायदा क्या मिल रहा है? इलीगल पार्किंग हो रही है ना, इलीगल पार्किंग हो रही है, पार्किंग जोन, नो पार्किंग। देखिए सामने
नो पी है। आप पूरे मुमरा में घुसेंगे तो ऐसा सब जगह नो पार्किंग के जोन है, पार्किंग जोन एक भी नहीं है। हम इस पर भी कह रहे हैं कि पार्किंग जोन कब बनेगी। अब बीच में बड़ा बड़ा ट्रैफिक के लिए जो है मीटिंग है वही दौड़े हुए, कमेटी बनाने की बात हुई, उसमें हम बोलते रहे कमेटी बनाओ, लेकिन कमेटी बनाने के लिए टाइम नहीं मिला। हाँ, मीडिया को बुला करके मैं कैसे काम कर रहा हूँ, हम कैसे काम कर रहा हूँ, ये दिखाने की बड़ी कोशिश की। रफीक भाई, जैसे ये जो कॉन्ट्रैक्टर ने कलवर्ट जो बनाने के लिए लिया, हमने ये देखा है उस कलवर्ट का, जैसे यहाँ से जो आखिरी छेड़ा है और उसके आगे जो नाले के ऊपर दुकानें के ओटे बने हुए थे वो तोड़ दिए गए, मगर वो कलवर्ट के आगे का कचरा निकाला नहीं गया है, तो इसमें भी अभी लापरवाही बढ़ती जा रही है। और मतलब आप नाले के इस हिस्से का बोल रहे हैं आप या उस हिस्से का कलवर्ट का कचरा नहीं निकाला? मेल हॉल की गली के कोने पे कचरा इसलिए निकाला नहीं गया है कि अभी वो काम जो चल रहा है वो काम होने के दौरान पानी का फ्लो नहीं आना चाहिए, तो उसको रुकावट के लिए छोड़ा है उन्होंने। मैंने इनसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनंजय गोसावी से बात की थी, तो उन्होंने इसीलिए कहा कि कुछ हमने इसके लिए रखा है कि पानी आएगा तो काम नहीं हो पाएगा, इसके लिए वो रखा है, नहीं तो वो कचरा उठेगा, और नहीं उठेगा तो इंशाल्लाह हम सब लोग आवाज़ उठाएंगे और उठवाएंगे उसको। मेरा एक सवाल है रफीक भाई, ये जो बीच में जो नाला ओपन रखा गया है, हाँ, इसको अगर ऊपर से जाली लगा दी जाए तो जो कचरा डाला जा रहा है जिसकी वजह से और चौकअप के चांसेस बढ़े। ये तो देखिए, अभी ये जो पहला कलवर्ट है डिलक्स बेकरी के बिल्कुल सामने का, पुराना कलवर्ट यहाँ का बन करके नया कलवर्ट शुरू किया गया था, उसके बीच का वो बाईपास है जी, तो वो बीच में इसके लिए रखा गया था कि अगर मिट्टी वगैरह रेती खड़ी पत्थर वगैरह रहते तो उसको मैन पावर से मैन्युअली निकाल सके। लेकिन हो क्या रहा है, ये मार्केट वाले बहुत सारे सलून वाले चिकन वाले और कई दुकान वाले उसमें अपना कचरा डाल रहे हैं, तो अगर अपना वेस्टेज उधर ऊपर जाली बन जाए और ओपन कर जैसा इंजेस लगा के ओपन करो, नशेड़ी वो जाली तोड़ के भेज देंगे ना भाई। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुमरा एक्सप्रेस पर, ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।